हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं सबके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिससे खाने में बहुत क्रंची और बेहतरीन लगेगी। रमज़ान स्पेशल आप सबको पसंद आएगी और इसे आप स्टोर भी कर सकते हो एक दिन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉयल आलू लेंगे, 4 मीडियम साइज़ के, जिसे मैंने पहले से प्रेशर कुक कर लिया है। अब आलू को मैश कर लेंगे हाथों से। आलू को जनरली हम बॉयल करने के बाद, ठंडा होने के बाद छिलका निकालती हूँ, फिर यूज़ में लेती हूँ, उसका टेक्सचर और अच्छा होता है। आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें कुछ धनिया के पत्ते, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, कुछ गाजर और छोटे पीसेस में मैंने पनीर कट कर लिया है वो डाल देंगे। अब इसमें टेस्ट के लिए डालेंगे ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, पिज़्ज़ा सीजनिंग 1/2 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, नमक 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, ओरिगानो 1/2 टीस्पून और थोड़ा इसमें ग्रेटेड चीज़ ऐड कर लेंगे और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बनकर तैयार है। अब हम आलू के छोटे बॉल्स रेडी कर लेंगे और शेप दे देंगे। वैसे आप कोई भी शेप दे सकते हो अपने पसंद का। बस इसी तरीके से बाकी आलू बॉल्स बना लेंगे और रेडी कर लेंगे। ये हो गया, तो चलिए झटपट इसके बैटर बना लेते हैं। 1/2 कप मैदा, 1/2 कप कॉर्नफ्लावर, इसमें हम 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और पानी अपने हिसाब से डाल दीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से बैटर बनाइए। ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, मीडियम टू थिक बैटर चाहिए हमें। और ध्यान रखिए, तब तक इसे मिक्स कीजिए जब तक इसमें लम्स ना रहे। ठीक ऐसे ही हमें बैटर बना लेना है। अब क्रिस्पी और कुरकुरे बनाने के लिए मैंने यहाँ कॉर्नफ्लेक्स लिया है 1 कप और इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। अब आलू नगेट्स को हम बैटर में डिप करेंगे और कॉर्नफ्लेक्स में कोट करेंगे। देखिए मैंने कितना अच्छे से कोट कर लिया है। इसी तरीके से आप भी बना लें। ऐसे ही बाकी आलू नगेट्स को डिप और कोट कर लेंगे, फिर थोड़ा 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तैयार हो चुका है। इसको मैंने दिखाया है कॉर्नफ्लेक्स में और ब्रेड क्रम्स में भी। अगर कॉर्नफ्लेक्स ना रहे तो ब्रेड क्रम से भी कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्राई के तरफ। चेक कर ले पहले थोड़ा तेल गरम हुआ है या नहीं। अब एक एक करके हम आलू नगेट्स को फ्राई करेंगे। हमें मीडियम टू लो फ्लेम रखना है ताकि कुरकुरे और क्रंची बने। दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। बस इसी तरीके से हम आलू नगेट्स को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। रमज़ान के इफ्तार के टाइम ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे एज अ स्नैक्स भी बना सकते हैं। कुरकुरे आलू नगेट्स तैयार है। सुपर और टेस्टी बनी है। ऊपर से कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट। रमज़ान में या किसी भी फेस्टिवल में ये स्नैक ज़रूर बनाएं। फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर खिलाएं। भी मज़ेदार रेसिपी ज़रूर मिलेगी देखने के लिए। उसके लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।